इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। अंजलि की मौत मामले में हमारे साथ इस वक्त आई विटनेस हैं जिन्होंने पूरा हादसा देखा कि किस तरीके से लड़की को गाड़ी से घसीटा जा रहा था। दीपक हमारे साथ हैं। दीपक क्या देखा, जो देखा वो बताइए। सब मैंने शॉप खोली था 3:18 पे सुबह। हाँ, तो मैंने जैसे शॉप खोली तो पीछे से आवाज जा रही थी, गाड़ी आ रही थी, ग्रे कलर की बलेनो गाड़ी थी। हाँ। तो आवाज ऐसी आ रही थी जैसे टायर फटने के बाद गाड़ी चलती है तब आवाज आती है। तो मैं देखा उसके वो 100 मीटर दूर होगी मेरे से। तो देखने के बाद मैंने उस टाइम तो जैसे ध्यान दूसरी तरफ कर लिया। जिस टाइम बिल्कुल सामने गाड़ी आई तो देखा उसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। डेड बॉडी फंसी हुई है। मां, ये तो बहुत गलत हो रहा है भाई। मैंने 112 नंबर डायल किया, बताया, मैडम ने फोन उठाया, मां मैम ऐसे ऐसे बात है, कोई डेड बॉडी यहाँ फंसी हुई है और गाड़ी है बलेनो ग्रे कलर की और कुतुबगढ़ साइड जा रही है खंजावला से। उन्होंने इन्फॉर्मेशन मेरी लिख ली थी जो भी थी। फिर उन्होंने दोबारा कॉल किया मेरे को रिटर्न, मेरा डेड बॉडी कफन में है या वैसे है डेड बॉडी। मां, कफन में नहीं है मैम, वैसे ही डेड बॉडी है, बिल्कुल नग्न अवस्था में है, पहचान नहीं पा रहे, लेडीज है जेंट्स है, उस टाइम पता भी नहीं था क्या है। वो सुधा निकल गए वो जोनती साइड है। जैसे फिर PCR से मेरे पास कॉल आती है तकरीबन 4-5 मिनट के बाद, बोला कहाँ है भाई आपकी लोकेशन। मैं यहाँ साहब। बोला ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। बोला मैं पंजाब खोड़ू, मैं पहुंच रहा हूँ। मैं ठीक है साहब, आ जाओ। बोला कहाँ गई है गाड़ी। मैं कहा आपकी पंजाब खोड़ू की साइड ही आ रही है। मैं यहाँ से कुतुबगढ़ साइड निकल गई गाड़ी और मां तकरीबन उन्होंने 5-7 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद फिर जैसे बात करते करते गए 3:23 पे दोबारा गाड़ी यू टर्न करके आगे से बिल्कुल दुकान के सामने दोबारा आती है। मैंने तभी उसको दोबारा बताता हूँ अफसर को, मां साहब ऐसे ऐसे दुकान के सामने दोबारा गाड़ी है और अब खंजावला साइड जा रही है। तो तभी वो बोले हम ठीक है, हम अभी इसके पीछे आते हैं। मां ठीक है साहब, आ जाओ। इतने में मैं भी अपनी स्कूटी लेकर मैं भी उनके पीछे लग लिया। मां चलो, जैसे मैं कुछ कर नहीं सकता तो उसको मतलब लोकेशन तो देता रह सकता हूँ मैं, उसके पीछे पीछे मैं भी चल रहा था। यहाँ से तकरीबन 2.5 किलोमीटर और आगे खंजावला साइड जाके गाड़ी राइसिंग मॉल है उसके सामने से उसने गाड़ी फिर यू टर्न ले ली वापस कुतुबगढ़ साइड। तो उससे 50-100 मीटर की दूरी पे मैं चल रहा था, मैंने उसके पीछे पीछे यू टर्न ले ली। डेड बॉडी उस टाइम उसके नीचे फंसी हुई थी, फिर भी चल रहा हूँ मैं उसके पीछे पीछे। जैसे वो गाड़ी आगे आगे, मैंने नंबर वगैरह सब नोट कर लिया था। फिर जैसे मैं दोबारा तीसरी बार अपनी दुकान के सामने पहुंचता हूँ, गाड़ी तीसरी बार उस टाइम मेरी दुकान के सामने आई है। तो वहां मेरी गाड़ी खड़ी थी, बलेरो गाड़ी है लोडिंग हुई, उसमें मेरा लड़का दूध लोड कर रहा था भाई है अपना। उसमें मैं उसको बोला, मां तू यार गाड़ी ले चल, मैं स्कूटी छोड़ दूं, सर्दी भी थी और मगा सेफ्टी भी हो जाएगी, दो बंदे हो जाएंगे। मैंने उसके साथ हम दो निकल गए गाड़ी लेके उसके पीछे पीछे। तो इस बीच थोड़ा गैप हो गया हमारे में जैसे 400-500 मीटर का, एक मिनट लगी है। बाकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा नहीं थी, 20-25 की स्पीड में गाड़ी चल रही है। उसके बाद जैसे हम जा रहे थे तो उसने जोनती से फिर गाड़ी यू टर्न ले लिया है, जोनती गांव से यहाँ से अपनी दुकान से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के आसपास ही एरिया होगा वो भी वहां भी। तो उसने यू टर्न ली है, तो उससे पहले कटरे से मैंने यू टर्न ले ली। मैंने देखा मैं गाड़ी तो घुमाओ कर रही है, मैं यू टर्न ले रहा हूँ, मैंने भी साथ के साथ यू टर्न ले ली। फिर जिस टाइम उसने यू टर्न लेकर गाड़ी लेकर आ रहा था तब वहां डेड बॉडी गिर गई थी उसकी, निकल गई थी। हाँ, जोनती गांव पे डेड बॉडी निकल रही थी गाड़ी से नीचे। तो उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया क्यों, मैंने इससे पहले कट से गाड़ी मोड़ी है। अच्छा, आपने पहले मोड़ी? हाँ, मैंने उससे पहले कट से मोड़ी है। हाँ हाँ, क्यों, जैसे वो थोड़ी आगे था तो उसने पहले वहां से मोड़ी, मैंने पहले से मोड़ दी। मैं गाड़ी तो ये यू टर्न आ रही है, पता था नहीं डेड बॉडी निकल गई। तकरीबन लाडपुर विजय बैंक के पास जाके मेरे को एहसास हुआ, मैं गाड़ी को बगल में ले, कभी ये गाड़ी दूसरी ना हो। मैंने देखा मैं इसमें डेड बॉडी नहीं है, मैं इसके और आगे ले, मैंने देखा ड्राइवर वही है, वो तकरीबन ग्रीन कलर की जैकेट पहने हुआ था और वो टोप वाली उसके पास हुआ थी, जैसे टोपी आती ना वो उसके। हाँ हाँ, मैं पुलिस से संपर्क में ही हूँ, PCR से 2 PCR 3 PCR मेरे साथ संपर्क में चली हुई है, मैं लोकेशन बता रहा हूँ, फिर भी वो चल रहे हैं। बोला ठीक है, हम पकड़ रहे हैं, मैं बैरिकेटिंग करा दो साहब, कंजावला करा दो आप और आगे करा दो, ये गाड़ी निकल रही है बिल्कुल, मैं 20-25 की स्पीड है, स्पीड भी नहीं है, वो पीछे से जो अपने यहाँ थी पंजाब खुड़ वाली PCR वो पीछे से आ रही है। फिर एक लाडपुर में PCR मिली हमको, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया शायद हमारी तरफ, वो सामने सुधी निकल गई, हम सुधी निकल रहे हैं। अब हम रोक नहीं सकते, हम रोक दे वो गाड़ी गुम हो जाए, मैंने सोचा चलो इसका पीछा करते रहो, बताते रहो, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। उसके बाद जैसे थोड़ी आगे जाके कंजावला चौक क्रॉस कर दिया, फिर कराला जाके एक PCR और क्रॉस हुई हमसे, बेगमपुर पहुंच गए धीरे धीरे करते करते। बेगमपुर भी फिर जैसे एक PCR खड़ी है बेगमपुर साइड से रोड की तरफ मुंह करके, गाड़ी देखी
गाड़ी देखी था, उसने रोड पे गाड़ी पीसीआर उतार दी, गाड़ी वहां भी 20-25 की स्पीड में थी, लेकिन उसने पीसीआर उतारने के बाद मैंने पीसीआर के बगल में अपनी गाड़ी लगा, मां साहब ये वही गाड़ी है जो 1.5-2 घंटे से डेड बॉडी फसाई घूम रही है, अब ये डेड बॉडी वहां छोड़ के आ चुकी है, मां इसको पकड़ो। उसने कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई मेरी तरफ, देख के एक बार ध्यान किया और इग्नोर कर दिया, कोई मतलब ही नहीं था। पीसीआर वाले ने, किस पीसीआर की बात करें, कहां पे थी? बेगमपुर वाली पीसीआर थी, हाँ ड्राइवर था वो बिल्कुल नशे में था, और जो दूसरा ड्राइवर जो पीसीआर का ड्राइवर था सब वो नशे में था, हाँ वो नशे में था, और जो दूसरे अफसर बैठे रहते हैं साथ में वो सीट सूदी करके वो लेटे हुए थे सो रहे थे, उन्होंने एक बार देखा मेरी तरफ, उन्होंने भी इग्नोर कर दिया। इतने भी हम बड़ी रेड लाइट पे पहुंच जाते हैं सेक्टर 20 वाली पे, सेक्टर 20 वाली, हाँ, और वो गाड़ी बलानो बिल्कुल सूदे निकल गया है अवंतिका की साइड। तो फिर मैंने भी मां जब प्रशासन पकड़ने की इच्छुक नहीं है तो हम कहां तक लड़ेंगे इससे, हम क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते ना, एक लाश को तो ठिकाना लाया मगा, हमने क्या से वो करना है इससे, हम कुछ कर नहीं सकते ना, उसको पर्सनल तौर पे तो पकड़ नहीं सकते, अभी डर था कि कहीं हथियार वगैरह ना, कुछ भी हो सकता है साहब, पर्सनल तौर पे थोड़ी बढ़ सकते हैं, अब गाड़ी में 3-4 बंदे नजर आ रहे हैं तो उसमें कुछ कर नहीं सकते ना, हम दो हैं वो 3-4 हैं, उनके पास लाश है, रात है, हर चीज है उसमें। फिर हमने गाड़ी वहां से हमने यूटर्न ले ली, वो सूदी निकल गई, हम अपनी दुकान पे। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस वाली पुलिस जो है थोड़ी सी मुस्तैदी दिखाती या पीसीआर का जो स्टाफ था मुस्तैदी दिखाता तो पहले जो है उसको पकड़ा जा सकता था। सब मुस्तैदी तो दिखाने की आवश्यकता ही नहीं थी, वो तो बस पकड़ना है पकड़ना था, वो बिल्कुल उनसे 20 मीटर दूरी से तो जा रहा है, कोई लंबी छोटी बात हो, गाड़ी भगा रहा हो ना मिला है, चलो आंखों से हो जो लोग सो बातें होती हैं, स्पीड भी नहीं तेज नहीं थी, 20-25 की स्पीड है पूरे वारदात में, यहाँ जितने सीसीटीवी आप सब में स्पीड चेक कर सकते हैं, इससे ज्यादा स्पीड नहीं मिलेगी आपको, कम से कम 10-15 सीसीटीवी है यहाँ। आपको क्या लग रहा था कि ये, क्योंकि पूरा इंसिडेंट आपने देखा, कि कहीं जानबूझ के किया गया या फिर वाकई में एक हादसा था, इस बात के बारे में तो क्या बता सकते हैं, लेकिन सब जो फंसी है जो बताई है जितनी देर रगड़ी गई है वो 18-20 किलोमीटर डेड बॉडी घसी हुई फंसी हुई, इसमें से बार बार आगे पीछे यहाँ से भी 3-4 चक्कर रोल किए हैं, शीशे बंद थे, क्या था शीशे बंद थे गाड़ी के, बिल्कुल क्या म्यूजिक वगैरह की आवाज सुनाई आ रही थी बाहर, कोई म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही थी अंदर, कितना भी रहा हूँ बाहर कोई आवाज नहीं आ रही थी। शुक्रिया बात करने के लिए दीपक। तो ये दीपक है वाकई में वो जागरूक नागरिक है कि एक हादसा देखा, पीसीआर को फोन किया, पुलिस को पूरी जानकारी दी, उसके बाद पुलिस वालों का फोन आया, उनको पूरी जानकारी दी, और जब तक पीसीआर नहीं आई जब तक ये जो है अपनी पहले स्कूटी और उसके बाद गाड़ी से उस गाड़ी का पीछा भी करते रहे, पीसीआर नहीं पहुंची तो इन्होंने बीच में पुलिस स्टाफ देखा, वहां पर भी जो है उन्हें भी इतला करने की कोशिश की, लेकिन दावा इनका यह है कि जो पीसीआर वैन का स्टाफ है उन्होंने जो है इनकी बात को सीरियसली नहीं लिया, जो पीसीआर वैन का स्टाफ है जो उसका ड्राइवर है दीपक का दावा है कि वो जो है शायद नशे में था और जो बाकी इसका स्टाफ था वो आराम से गाड़ी में लेटा हुआ था और उसी पीसीआर वैन के 20 मीटर आगे से वो बलिनो कार निकली थी जिसने अंजलि की स्कूटी को टक्कर मारी और उसके बाद उसको घसीटते हुए तकरीबन 13 किलोमीटर तक घुमाते रहे। कैमरामैन अश्विनी के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी दिल्ली। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।